प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 14 अक्टूबर 2021 गुरुवार का दिन है। अश्विन मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है और नवमी तिथि 18:53 तक रहेगी। दर्शकों, चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 8 डिग्री पर भ्रमण कर रहे हैं। आज नक्षत्र की यदि हम बात करें तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। दर्शकों, आज यदि हम त्योहार की बात करें, आज महानवमी भी है, दुर्गा बलिदान भी है, दक्षिण सरस्वती पूजा भी है, बंगाल महानवमी भी है, सरस्वती विसर्जन भी है और आयुध पूजा भी आज होती है, यानी कि शस्त्रों की पूजा भी आज ही के दिन होती है। दर्शकों, आज का राहु काल 13:39 से 15:06 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:35 तक रहेगा। रत्न की विधि यदि हम बात करें, आज गुरुवार का दिन है, इसीलिए गुरु का रत्न पुखराज धारण किया जा सकता है। इसे आप अपने इंडेक्स फिंगर में, सोने में, पीतल में या पंच धातु में इसे धारण कर सकते हैं। जिन लोगों की भी कुंडली में बृहस्पति शुभ अवस्था में है, वो बृहस्पति का रत्न पुखराज अवश्य धारण कर सकते हैं। आज के दैनिक उपाय में दर्शकों, में एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूं। आज आप सभी लोग अपने घर के अंदर, जो भी आपने एक छोटा सा मंदिर बना रखा है अपने घर के अंदर, वहां आप भगवान को लाल चंदन का तिलक अवश्य करें। यानी यदि आपने शिवलिंग रखे हैं तो उन्हें भी लाल चंदन का तिलक लगाएं, और यदि कोई दूसरे देवी देवता की तस्वीर आपके घर में है तो उन्हें भी लाल चंदन आज अवश्य लगाएं। मात्र इतना सा उपाय आज आपको अवश्य करना है। आज जिनका भी जन्मदिन है, उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आपको एक ऐसा ही रहस्य बता रहा हूं जो आपको जानना और समझना भी चाहिए, ताकि यदि कोई आपको ये कहता है कि एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, तो आप उन्हें ये बता सकें कि कैसे एस्ट्रोलॉजी साइंस ही है और हमारे जीवन का हर कर्म, हर चीज एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई है। दर्शकों, हम लोग सप्ताह के 7 दिन याद करते हैं, बचपन में बच्चों को याद कराया जाता है। हम सबको पता है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और उन सप्ताह के 7 दिनों का एक नाम भी है। रवि से दिन शुरू होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। दर्शकों, ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, राहु केतु छाया ग्रह हैं। इसके अलावा बाकी के 7 ग्रहों के आधार पर ही इन दिनों के नाम रखे गए हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये बात आई है कि रवि के बाद सोम, सोम के बाद मंगल, उसके बाद बुध, ये क्रम आखिर ऐसे ही क्यों निर्धारित है? इन्हें किसी दूसरे क्रम में क्यों नहीं रखा गया और इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आज दर्शकों, आपको एस्ट्रोलॉजिकल में वो बात बताता हूं जिसके बाद आपको ये पता लगेगा कि इनका क्रम क्यों ऐसे निर्धारित किया गया है। ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की यदि स्थिति को हम देखेंगे तो सूर्य केंद्र बिंदु मान करके उसके समकक्ष सबसे नजदीक बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा है, उसके बाद मंगल है, फिर बृहस्पति है और फिर शनि है। इस तरह से ग्रहों की सूर्य से दूरी निर्धारित है। लेकिन जब ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया गया तो ये देखा गया है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, तो इस क्रम में थोड़ा सा एक परिवर्तन किया गया और सूर्य के स्थान पर पृथ्वी को रखा गया और पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को रखा गया। फिर इसका जो क्रम बनता है वो किस तरह से बनता है कि केंद्र में हमने पृथ्वी को रखा क्योंकि पृथ्वी पर हम रहते हैं और इन ग्रहों का प्रभाव हमें पृथ्वी पर ही महसूस होगा, इसीलिए आरंभ किया पृथ्वी से और पृथ्वी के पास में सबसे नजदीक है चंद्रमा, तो पहले स्थान पर आ गए चंद्रमा। फिर वही क्रम बना हुआ है, बुध, शुक्र और पृथ्वी के बाद में, फिर यहां पर हमने जब सूर्य को रख दिया है तो उसके बाद सूर्य का क्रम रहा, उसके बाद मंगल और उसके बाद गुरुदेव बृहस्पति और फिर शनिदेव। और सप्ताह के दिन का आरंभ कब से किया? सूर्य से, यानी कि प्रथम दिन हमने रविवार को लिया, इसलिए रवि को पहला दिन दिया गया। फिर उसके बाद से 4 क्रम आगे, यानी रवि के बाद में अगला ग्रह कौन सा आएगा, यदि आप उसको 4 से देखेंगे, यानी कि रवि के बाद में आप मंगल,
गुरु, शनि और उसके बाद वापस क्रम लेकर आएंगे तो चंद्रमा आता है। इस तरह से दूसरा दिन दिया गया चंद्रमा को। फिर चंद्रमा के बाद आगे हम यदि चार स्थान आगे जाएंगे, यानी चंद्रमा के बाद कौन सा ग्रह आया, बुध, शुक्र, सूर्य और फिर मंगल, तो मंगल को स्थान दिया गया तीसरा। उसके बाद में मंगल से आगे चार स्थान यानी कि गुरुदेव, बृहस्पति, शनि, चंद्र और बुध को, यानी कि चौथा स्थान आया बुध का। फिर उसके बाद बुध से चार स्थान आगे चलेंगे यानी कि शुक्र, सूर्य, मंगल और बृहस्पति, इस तरह से अगला स्थान मिला बृहस्पति को। फिर उससे चार क्रम आगे चलेंगे तो शनि, चंद्र, बुध और चौथा स्थान मिलता है शुक्र को, इसलिए शुक्र को अगला दिन मिला। और उसके बाद में सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि, तो शनि को आखिरी स्थान मिला, सातवां दिन मिला शनि का। और फिर शनि से वही क्रम शुरू करेंगे तो फिर चौथे नंबर पर आएगा सूर्य। इस तरह से हर चौथे क्रम को एक स्थान देते हुए इस तरह से सप्ताह के सात दिन निर्धारित किए गए हैं और ये क्रम हमेशा निरंतर चलता ही रहेगा और इसी को आधार मानकर सप्ताह के सात दिन निर्धारित किए गए हैं। साइंटिफिक है, एस्ट्रोलॉजिकल है और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि ज्योतिष विद्या एक साइंस है। तो आज आप लोगों को यह पता लग गया होगा कि वीक डेज जो हमारे बने हैं उनके नाम इस तरह से क्यों रखे गए हैं और एक ग्रह को एक दिन किस आधार पर मिला है, सूर्य से हमारा वीक आरंभ क्यों होता है और शनि पर क्यों खत्म होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों आज की ज्ञान गंगा के अंदर आपको एक नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी एस्ट्रोलॉजिकल कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजी हमारे हर दिन को कोई ना कोई ऐसा सूत्र अवश्य देता है जिसके द्वारा ये संसार की सारी गतिविधियां संचालित होती है। आज की ज्ञान गंगा में इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से पंचम का संबंध बन रहा है। आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:25.46 पर कन्या लग्न बन रहा है और कन्या राशि के अंदर ही सूर्य विद्यमान है, मंगल विद्यमान है और बुध विद्यमान है। वृश्चिक राशि के अंदर शुक्रदेव हैं और केतुदेव विद्यमान है। मकर राशि के अंदर बृहस्पति हैं और शनिदेव हैं। और मकर राशि में ही चंद्रमा भी 8 डिग्री के विद्यमान है और राहुदेव वृषभ राशि के अंदर विद्यमान है। ये आज की ग्रह स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज का लग्नफल और राशिफल आप लोगों को बता रहा हूं। दर्शकों मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्ति के लिए आज का दिन अच्छा है। चंद्रमा की उपस्थिति दशम भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपके कामकाज में बढ़ोतरी भी अवश्य होगी। आपको अपने किए गए मेहनत का पूरा रिजल्ट भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र के अंदर आप व्यस्त भी रहेंगे और आज आपके सभी कार्य समय पर पूर्ण भी अवश्य होंगे। सूर्य की स्थिति छठे भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपके मार्ग में कोई बाधा भी नहीं आएगी और जो काम आप कर रहे हैं उसमें पूर्ण सफलता के योग भी आज अवश्य बन रहे हैं। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। सूर्य की उपस्थिति पंचम भाव में आपके पराक्रम में वृद्धि कर रही है। दृढ़ निश्चय होकर के आज आप कार्य भी करेंगे, किसी के आगे झुकेंगे भी नहीं, कोई आपका विरोध करेगा उसको नजरअंदाज करते हुए आज आप अपने विचारों पर दृढ़ भी रहेंगे और जो कार्य आप करेंगे उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस आज देखने वाला रहेगा। सूर्य की उपस्थिति पंचम भाव में आज आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी तो कर ही रही है, लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति नवम भाव में इस बात का संकेत भी दे रही है कि भाग्य आज आपका साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए अपनी तरफ से कोई लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। बस इस चीज का ध्यान रखिए, अपने कॉन्फिडेंस पर भरोसा कीजिए। आज जो भी कार्य करेंगे आप अपनी बुद्धि कौशल के आधार पर करेंगे और उसी के आधार पर आज आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने वाला है। चंद्रमा की उपस्थिति अष्टम भाव के अंदर इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप थोड़ा सा मन से दुखी परेशान भी रहेंगे। मन के अंदर एक ऐसे विचारों का जन्म होगा जिसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस में कमी भी जरूर देखी जाएगी। सूर्य के कारण से सुख सुविधाओं का अभाव भी बना रहेगा। जो कार्य आप कर रहे हैं उसके प्रभावी परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं तथा आज आपको अपनी सुख सुविधा के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जो काम आप आसान समझ रहे थे वो भी आज आपको मुश्किल लग रहे हैं, ऐसा मुझे आज आपके लग्न के आधार पर अवश्य दिख रहा है। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। मन के अंदर आपके प्रसन्नता अवश्य रहेगी,
साथियों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे, घर परिवार का माहौल भी सुखद रहेगा, मन में विचार भी बहुत अधिक आ रहे हैं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके संबंध आज अच्छे रहेंगे, लेकिन सूर्य की उपस्थिति तीसरे भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको अपना अड़ियल रवैया नहीं अपनाना है। आज आपको अपने अकेले के बलबूते पर सारे काम करने हैं, ऐसी विचारधारा आपकी नहीं होनी चाहिए। दूसरों का सहयोग भी आप लीजिए और लोगों का सहयोग साथ लेकर के फिर अपने कार्य को पूर्ण कीजिए। आपको आपके किसी भी कार्य में कोई भी दिक्कत फिर नहीं आएगी। आज अकेला चलो की नीति आपके लिए ठीक नहीं है, इस बात का आपको आज ध्यान अवश्य रखना ही रखना है। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। परिवार की कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है जिसका निर्वहन भी आप आराम से करेंगे, लेकिन कार्यों में कुछ बाधाएं भी चंद्रमा के कारण से आएगी। इसीलिए आज बाधाओं को पार करते हुए अपने कॉन्फिडेंस के आधार पर, अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर आज आप अपने सभी कार्य को पूर्ण भी अवश्य करेंगे। आज कोई भी बाधा ऐसी नहीं है जो आपके मार्ग को रोक सके, क्योंकि सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण से आज आप किसी भी कार्य को असंभव नहीं समझेंगे और जो कार्य आपके सामने है उसको अपनी मेहनत से पूर्ण भी अवश्य करेंगे। आज दुनिया की कोई भी ताकत आपके रास्ते को नहीं रोक सकती है, ये दृढ़ निश्चय आज आपके अंदर देखने को अवश्य मिलेगा। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मन में न जाने कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, क्रोध भी आपका अधिक बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। कोई भी बात आपके सामने आ रही है तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही नकारात्मक है। आज आप मन से भी दुखी हैं, बुद्धि भी आपकी ऐसी है कि कोई भी काम आप जो कर रहे हैं उसमें भी आपके पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं। आज आप अपनी बुद्धि, अपने मन और अपनी सोच को एक तरफ अलग रख करके केवल जो काम सामने हैं, आवश्यक हैं, उनको सकारात्मक तरीके से पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। आज आप जो भी सोचेंगे गलत ही सोचेंगे, जहां भी आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे आप गलत ही करेंगे, क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसी बन रही है कि सूर्य और चंद्रमा आपकी बुद्धि को सही दिशा में सोचने ही नहीं देंगे। इसलिए आज शांति के साथ अपने दिन को व्यतीत कीजिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है। व्यय की अधिकता रहेगी, राजकार्य के कार्य में कोई बाधा आ सकती है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम आए इसकी संभावना बनती है। फाइनेंस को लेकर के भी कुछ दिक्कत परेशानी मुझे दिख रही है, कुछ ना कुछ अड़चन परेशानी आज आप अपने काम में महसूस अवश्य करेंगे, लेकिन इन सबके बावजूद भी आपको आपकी सुख सुविधा में कोई कमी महसूस नहीं होगी। धन आगमन सुगम रहेगा, सुख सुविधाएं अपनी जगह कायम रहेंगी, लेकिन बाधाएं अवश्य आएंगी। इसीलिए आज बाधाओं से घबराना नहीं है, बल्कि शांति के साथ आज अपने कार्यों को पूर्ण करना है, यही आपके लिए श्रेष्ठ भी रहेगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन पूरी तरह से आपके पक्ष का है। जो कार्य आप कर रहे हैं उसके प्रभावी परिणाम भी आपको मिल रहे हैं। जो आपकी मन की इच्छा है वो भी आज आपकी अवश्य पूर्ण हो रही है। दृढ़ निश्चय होकर के आज आप अपने कार्य को पूरा भी कर रहे हैं। जो काम आपने आज अपने हाथ में लिया है उसको प्रभावी ढंग से आप पूरा भी कर रहे हैं। एक साथ कई काम को करने की क्षमता भी आज आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आज मन से भी आप मजबूत हैं और अपने कर्म से भी आप मजबूत हैं। इसीलिए जो कार्य भी आज करेंगे उसके पूर्ण प्रतिफल आपको अवश्य प्राप्त होंगे ही होंगे। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। कार्य के अंदर आपको सफलता भी मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आप कुछ बेहतर कार्य भी करेंगे, सुख सुविधाओं के अंदर भी आपकी बढ़ोतरी अवश्य होगी। बस एक चीज का आपको आज ध्यान रखना है, वाणी से कुछ ऐसे शब्द ना निकले जिसके कारण से आपके किए कराए पर पानी फिर जाता हो। मन के अंदर किसी भी तरह के नकारात्मक भाव को हावी नहीं होने देना है, वाणी का संयमित प्रयोग करना है। यदि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। क्रोध की अधिकता बनी हुई है, बात बात में आप थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव अपना दिखा रहे हैं, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, कोई आपको कुछ कहे आपको पसंद नहीं आ रहा, ऐसी प्रवृत्ति आज आपके अंदर देखने को अवश्य मिलेगी। भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है, जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई कमी भी अवश्य छूट रही है, जिस कारण से आपको आपके किए गए काम का प्रतिफल भी प्राप्त नहीं हो रहा है।
आज आपको शांति के साथ दूसरों के काम में सहयोग देना है। अपने काम को किसी और दिन पूरा कीजिए। आज शांति के साथ परिवार के अंदर और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर दूसरों के सहयोग से अपने कार्य को पूर्ण कीजिए, यही आपके लिए बढ़िया भी रहेगा। आज किसी भी तरह से जिद आपको नहीं करनी है, क्योंकि आज यदि आपने अपने काम को लेकर जिद की या अपने विचारों पर आप अड़े रहे तो आपको कुछ बड़ा नुकसान भी अवश्य हो सकता है। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने वाला है। कार्य के अंदर भी आपको कुछ परेशानियां महसूस होंगी, हर कार्य में बाधा आ रही है ऐसा आप महसूस करेंगे। खर्च की अधिकता भी अवश्य रहेगी, क्रोध की भावना भी आपके अंदर देखी जा सकती है। आज आपको ऐसा लगेगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसके कुछ परिणाम आपके पक्ष में नहीं आ रहे हैं, बल्कि आप जिस कार्य को सहजता के साथ कर लिया करते थे वो भी कार्य आज आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आज अवश्य हो रहा है, इसीलिए मन के अंदर शांति का भाव रखिए और किसी के प्रति कोई गलत भाव मत रखिए। इस चीज का यदि आप ध्यान रखेंगे और विनम्रता के साथ आज अपने दिन को व्यतीत करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई नकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होगा। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। मन के अंदर खुशियों का वातावरण है, मन के अंदर विचार भी बहुत उठ रहे हैं, जो आप काम करना चाहते हैं उसको काम करने का मौका भी आपको दिया जा रहा है। लेकिन सूर्य की उपस्थिति सप्तम भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप झुकना पसंद नहीं करेंगे, थोड़ी सी क्रोध की अधिकता आपके अंदर रह सकती है। बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, यानी क्रोध नहीं करना है और अड़ियल रवैया नहीं अपनाना है। अगर इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आज आप अपने मन के अंदर जो भी आपकी अभिलाषा है वह भी अवश्य पूर्ण होगी और मन भी आज आपका प्रसन्न रहेगा तथा किए गए कार्य का पूर्ण प्रतिफल भी आपको अवश्य प्राप्त होगा, अपितु आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे परिणाम आज आपको मिलेंगे यदि आज आप क्रोध को अपने से दूर रखेंगे तो। दर्शकों, आज के गोचर के आधार पर यह मैंने आपको लग्न फल और राशि फल दिया है, इसी के आधार पर आप अपना दिन व्यतीत होते हुए भी अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।